अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्लास फिफ्थ, टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू ड्रॉ अ शिप। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट टेक योर आर्ट कॉपी एंड ड्रॉ मार्जिन्स ऑन ऑल द फोर साइड। So class, how to draw a ship? तो आप सोच रहे होगे कैसे करना है, मैम ने सिर्फ बोल दिया है। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक सम वेव्स ऑन हियर। इसी के नीचे हम लोग कुछ वेव्स और भी ड्रॉ करेंगे। आई होप आप सबको ये अच्छे से दिखाई दे रहा हो। नेक्स्ट हम एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए। इस पॉइंट से, ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ वेव्स को ला के इसे ज्वाइन कर देंगे। क्लास फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पे एक स्लैंट लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद लास्ट पॉइंट से हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे ला के ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ zigzag लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट एक स्लैंट लाइन ड्रॉ की, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्लैंट, सॉरी स्टैंडिंग लाइन, फिर हम स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की है, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स की तरह आपको ये लुक देना है। नेक्स्ट नाउ टर्न योर पेज लाइक दिस। अब यहाँ से हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, कर्व होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले आप यहाँ पे एक स्केल से इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 0 to 0 to 12। क्लास लाइट पेंसिल यूज़ कीजिएगा, हम यहाँ पे डार्क पेंसिल यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे सके, लेकिन बाद में ये इरेज हो जाएगी। तो हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कर्व लाइन। इसी से मैंने पहले डायरेक्ट कर्व लाइन इसलिए नहीं ड्रॉ की कि अगर डायरेक्ट कर्व लाइन ड्रॉ करते तो आपकी प्रॉपर लाइन नहीं आती कि किस मेजर से कितनी करनी है आपको। इसलिए पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन के बाद फिर हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अब इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक हमको एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह करेंगे, अपने पेज को टर्न करके ही सेम इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। इससे आप इजी कर्व लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी और फिर जो आपकी स्ट्रेट लाइन थी वो आप स्ट्रेट लाइन को इरेज कर दीजिए क्योंकि हमें इसका कोई यूज़ नहीं है। टर्न योर पेज, नेक्स्ट अब आपको लेफ्ट हैंड साइड से एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए आप अपने पेज को इस तरह से रख लीजिए और इस वाले पॉइंट से आपको नीचे ड्रॉ कर देना है, वेव्स में जाके ज्वाइन कर देना है।
आपके जो शिप का जो शेप है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप लोगों ने इतना ड्रॉ कर लिया। नाउ वी हैव टू मेक फोर लाइन्स। फर्स्ट जो हमारी लाइन होगी वो हमारी स्टैंडिंग लाइन होगी और उसका मेजरमेंट होगा सेम 0 to 12 0 से स्टार्ट करेंगे और 12 भी। सेकेंड लाइन हम जो ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ जो मिडल लाइन है हम उससे थोड़ी डिस्टेंस पे करेंगे और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 0 to 8। उसी तरह से हम थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे मिडिल लाइन से कुछ डिस्टेंस पे जो हमारी राइट हैंड साइड होगी और आपका ये जो सेकेंड स्टेप दिख रहा है इस वाले लाइन पे, यानी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये जो सेकेंड स्टेप है इस पे ड्रॉ करना है हमें और इसकी लेंथ होगी 0 to 6। एक और स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेंथ होगी 0 to 5। देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 पे आपको यहाँ रखना है 0 to 5। पहले ये सारी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से हमारा दिखना चाहिए। नेक्स्ट जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा लाइन्स अगर आपकी बाई चांस पेंसिल से ड्रॉ हो जाती हैं तो आप इरेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, थोड़ी स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। नाउ अगेन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। प्लस अब इन सारी स्ट्रेट लाइन पे हम स्टैंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी सबसे लार्ज लाइन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप चाहो तो स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो और चाहे तो आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेम जैसे आपने इस डायरेक्शन में किए वैसे आपको यहाँ भी करना है। नाउ टर्न योर पेज। अब इस साइड वाली हम लाइन लेफ्ट हैंड साइड से ना ड्रॉ करके हम राइट हैंड साइड से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ करना है। इस तरह का सारी लाइन्स ड्रॉ होने के बाद अब हम इसमें कर्टन्स ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, फर्स्ट ये वाला जो हमारा पार्ट है हम ये वाले पार्ट से एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। सेम इस साइड भी, सेम जो हमारी शॉर्ट लाइन है इसमें भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें लग के ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट अब हम इस साइड से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली लाइन यहाँ लग के ज्वाइंट कर दीजिए। Now turn your page and draw a curved line like this. Again, turn your page,
draw a curve line like this. सेम इसमें भी आपको ऐसे ही कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। जो एक्स्ट्रा लाइन आपकी इस वाले पार्ट में आएगी, जो भी जिस पार्ट में आएगी, एरिया में आएगी, उसे हम इरेज कर देंगे बाद में। नेक्स्ट हमारी ये जो लाइन है इसे आप इरेज कर दीजिए। और ये वाली लाइन जो आपके अगर टच हो गई हैं इस वाले पार्ट में, तो इसे भी आप थोड़ा सा स्मॉल कर दीजिए, जैसे मैंने स्मॉल कर दिया। आई होप सबको दिख रहा होगा ये। नेक्स्ट अब हम ये वाला पार्ट भी सेम कर्व लाइन करके ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट अब हमारे करना क्या है, कर्व लाइन ड्रॉ करनी है सेम इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और ये वाला पार्ट इससे ज्वाइन कर दीजिए। नेक्स्ट अगेन ड्रॉ कर्व लाइन बस मुझे फॉलो करते जाइए। सेम आपको नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन थी उस पर भी आपको कर्व ड्रॉ करना है, कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो आपकी लास्ट लाइन है उस पर भी कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। सेम आपको जैसे आपने नीचे कर्व किया है वैसे ही आपको ऊपर कर्व करके ज्वाइन कर देना है। मुझे नहीं लगता है क्लास ये बहुत टफ है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। तो ये सारे कर्टन्स हमारे ड्रॉ हो चुके हैं, शुक्रिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ फ्लैग्स। फ्लैग ड्रॉ करेंगे हम, तो हमें कितने फ्लैग ड्रॉ करने हैं, जितनी भी हमारी लाइंस हैं, ये बाम्बू लाइंस हमारी जो शिप पे बाम्बू होते हैं उस पर कर्टन अटैच करने के लिए, तो ये हमारी लाइंस वो बाम्बू हैं। तो इन बाम्बू पे फर्स्ट फ्लैग, यहाँ पे आपका हाफ दिखेगा क्योंकि इसका जो लास्ट पार्ट है वो उस कर्टन के पीछे है, ठीक है। सारे लाइंस जो है ये हमें स्केल से ज्वाइन कर देनी है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से आप स्केल रखिए कि आपका ए शेप बनता जाए और ये सारी लाइंस आप इस तरह से जुड़ जाए। ये लाइन यहाँ फ्लैग पे आ रही है तो ये फ्लैग के पीछे चली जाए, ठीक है। तो आपको ये इरेज कर देनी है। आपका फ्लैग दिखेगा यहाँ से आएगी और फिर यहाँ रखिए, इसे थोड़ा सा यहाँ ज्वाइन करिए और उसके बाद ये लाइन फिर से आपको यहाँ ला के ज्वाइन कर देनी है। यहाँ पर छोटी सी नॉट करके बांध देनी है। इस साइड भी सेम, पहले इससे अटैच कर लीजिए। नेक्स्ट फिर इस फ्लैग के पीछे से यहाँ पे ला के इसे जॉइन कर दीजिए शिप से, और यहाँ पे भी आपको एक नॉट बना देनी है लाइक दिस। आई होप आप सबको इतना पार्ट ड्रॉ हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी ये जो लाइन दिख रही है हम यहाँ से सेम स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे।
गेंस हैं। इस तरह से हमें अपनी शिप को पार्ट्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट, नाउ टर्न योर पेज। जिस तरह से हमने जो फर्स्ट कर्व लाइन ड्रॉ करी थी ना, सेम वैसे ही हमको एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ होगा। सेम सारी कर्व लाइंस इसी तरह से जो है ड्रॉ कर दीजिए, जितनी भी आपकी शिप की लेंथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारी शिप की जो लेंथ थी उसमें सिर्फ टू लाइन्स आई है, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए हम इसमें सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो स्क्वायर्स बना सकते हैं। बस क्लास इतना ही ड्रॉ करना है। देखिए, हमारी शिप कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में हम आज सिर्फ ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कलरिंग करना बताएंगे इसमें। तो आई होप आप सब ने इतना इस तरह से बोर्ड ड्रॉ कर ली होगी पूरी। तो क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने पेंसिल वाटर कलर के साथ, ब्रश एंड वाटर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।